दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लाइटरूम से अपना फ़ोटो खुद का एडिट कर सकते हैं। फ़ोटो एडिट करना एक आर्ट होता है, एक कला होता है, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप कैसे करेंगे, अगर आप बिगिनर लेवल के भी हो तो आप कैसे फ़ोटो को अपना एडिट करेंगे और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो भी सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर सकते हैं, एडिट कैसे करने का, वो भी अच्छे तरीके से अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको लाइटरूम में आ जाना है, आपको प्ले स्टोर पर लाइटरूम मिल जाएगा, लाइटरूम में आ जाना है, फिर ऑल फोटो पे जाके इधर से आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है, जहाँ से भी जो भी आपका फ़ोटो है। जैसे कि मैंने ये एक पहले से ऐड करके रखा है, इसको अभी हम एडिट करके दिखाने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। तो थंबनेल में जैसा देखा था वैसा एडिट होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के लिए दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो को अगर हेल्पफुल रहेगा तो आप लाइक कीजिए, वरना आप मत कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि एडिट कैसे करना है। तो एडिट करने का प्रोसेस पहले फर्स्ट क्रॉपिंग से आता है। पहले हम क्रॉप करते हैं, अपने जितना भी बेकार पार्ट है उसको हम क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ हमने क्रॉप कर लिया है, इधर से डन का एरो रहेगा ऊपर, आप डन कर दीजिए। फिर प्रीसेट्स, अगर प्रीसेट्स के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीसेट के बारे में हम बहुत जल्द लाने वाले हैं वीडियो। अभी आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फिल कर देगा, जिसको आप जूम करके देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो कैसा आ रहा है। तो ऑटो पे रहने दीजिए, लेकिन ऑटो पे थोड़ा मेरा ब्लैक सा ऐसा फेस पे आ रहा है, देखिए ये अंडो कर दिया मैंने, ऑटो किया तो ब्लैक सा आ रहा है। लेकिन हम इसको अभी लाइटिंग डाल देंगे, फिर लाइट पर आने का फिर एक्सपोजर को आप बढ़ा के जितना भी बढ़ा या घटा के देख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, फिर कॉन्ट्रेस्ट पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा कर देने का, हाइलाइट्स को कम करने का, शेडो को थोड़ा ज़्यादा करने का, और थोड़ा सा जूम कर करके देखते रहने का। फिर वाइट को आप ज़्यादा कर दीजिए, ब्लैक को आप कम कर दीजिए, या तो ब्लैक को ज़्यादा कर दीजिए और वाइट को कम कर दीजिए, जैसे आपके फ़ोटो पर अच्छा लग रहा हो। मैं तो सिंपली अभी वाइट कम, वाइट ज़्यादा, ब्लैक कम कर देता हूँ। एंड देन इधर हमारा हो गया फिनिश ये वाला पार्ट। फिर हम कलर पे आएंगे, कलर पे आप टैंप करके रहेगा, उसको आप इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगे। मैं तो इसमें जीरो ही रखने देता हूँ, आप भी ना बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। बाकी टिंट पे हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इधर ऊपर आपको काउंटिंग दिख रही है, फोर पर हम रखते हैं, फोर पे। वाइब्रेशन पर आप ज़्यादा करके देख सकते हैं, ज़्यादा करने पे ऐसा होता है, और कम करके देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट टाइप में हो जाएगा। तो हम सिंपली अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, टू तक, थ्री तक मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं अब तक की एडिटिंग, पहले नॉर्मल पिक्स ऐसी थी, बिफोर ऊपर लिख के आ रहा है, और अभी ऐसा दिख रहा है। तो मैं आपको लास्ट में भी दिखाने वाला फ़ोटो कैसा दिख रहा है। सैचुरेशन जो रहता है उसको आप कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कैसा लगता है। मैं तो फिलहाल अभी वन पे कर देता हूँ। फिर आपको मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग पे आना है। जैसे कि आपके बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर है, तो आपको सिंपली ग्रीन कलर को ह्यू जो रहेगा उसको इंक्रीज़ करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज़ करना है, एंड येलो पे भी जाके ह्यू को इंक्रीज़ करना है, सैचुरेशन को डिक्रीज़ करना है। एंड आपके फेस पे देखिए कैसा आ रहा है, एकदम मतलब रेडिश रेडिश सा। तो आप इसको हटाने के लिए ल्यूमिनस को कम करेंगे, सैचुरेशन को कम, ल्यूमिनस को ज़्यादा। ये हमारा हो गया है थोड़ा सा, ये ऐसे ही ब्लू ब्लू में थोड़ा कर देते हैं हम। ये हमारा आफ्टर एंड बिफोर का फ़ोटो आप देख सकते हैं। देन हम डन करते हैं इधर से, फिर हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स पे, इफ़ेक्ट्स पे टेक्सचर पे जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया आपको जैसा लगता है। मैं टेक्सचर पे ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करूँगा, मैं 8 तक रखता हूँ। फिर आपको क्लियरिटी में भी ज़्यादा नहीं करना है, 8 तक करना है। फिर आपको विग्नेटिव जो रहता है इधर ऐसा डिक्रीज़ करेंगे इसको, तो आपके साइड साइड में ऐसा ब्लैकिश सा आएगा, देखिए ऐसा, जितना आपको मन है वैसा कर सकते हैं। और इधर इंक्रीज़ करेंगे तो वाइट वाइट सा आएगा, जितना कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डाल देता हूँ,
ब्लैक ब्लैक डालने के बाद आप मिंट पॉइंट पे आएंगे तो ऐसा हो जाता है, डिक्रीज इंक्रीज ये भी सेम विग्निटी जैसा ही है। तो मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, देन आप राउंडनेस पे जाके देख सकते हैं कि कैसा आपका फोटो अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, देन आप आफ्टर एंड अभी का फोटो देख सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा है कूल सा। देन हाइलाइट्स को इंक्रीज कर देते हैं एंड फिर डिटेल्स पे आके शार्पिंग को जी अपने हिसाब से 19 पे मैं कर दिया हूँ, आप अपने हिसाब से दिए। फिर डायरेक्ट इस पर आना है नॉइस रिडक्शन, कलर आपके यहाँ वहाँ अगर ज़्यादा हो गया है फैल गया है तो ये नॉइस रिडक्शन उसको कम कर देगा। फिर कलर नॉइस रिडक्शन, देन आपका फ़ोटो अभी देख सकते हैं ये हो गया हमारा फ़ोटो रेडी। देन इसको आपको सेव करना है, सेव करने के लिए सिंपली थ्री डॉट पे जाके आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू डिवाइस करना है, तो ये आपका प्रिपेयर होएगा आपका। तो इसी के साथ हमारा एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हमारा फ़ोटो एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर हम इसको कहीं भी सोशल मीडिया पे अपने शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ अच्छे से। अगर वीडियो लगा ये अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, या तो आप उनको एडिट करके दे सकते हो। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ़ोटो हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, आप थोड़ा जूम करते हैं और देख लेते हैं आफ्टर एंड बिफोर का। ये पहले था ऐसा हमारा, अभी ऐसा हो गया। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तो मिलते हैं इसी के साथ, तो लाइक करके जाइए। टेक केयर एंड बाय बाय।